गुड मॉर्निंग क्लास, एमएबीएन के ऑनलाइन क्लास में क्लास फर्स्ट हिंदी में आपका बीए थर्ड का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका बीए कोर्स शुरू होगा। अध्याय 17 है। इस अध्याय 17 में हलंत की मात्रा या द्वित्व व्यंजन के बारे में बताया गया है। हलंत की मात्रा, हल की मात्रा कैसे लगाते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, कहाँ लगाते हैं, और द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, ये चीजें इस चैप्टर में बताई गई है। तो आइए जानते हैं कि द्वित व्यंजन और हलंत क्या है। सामने आपको एक पिक्चर यहाँ चैप्टर की दिख रही होगी, उसमें आपको मेरे साथ साथ जो है उसको दोहराते जाइए, पढ़ते जाइए। जब एक ही व्यंजन आपस में मिलकर नया व्यंजन बनता है, जब एक ही व्यंजन आपस में मिलकर, एक ही व्यंजन आपस में मिलकर मतलब जैसे लिखा हुआ है सच्चा, क्या लिखा है सच्चा, तो ये भी क्या है चा है और इसके बाद भी चा है, तो वही हो गया एक ही व्यंजन आपस में। आपस में मिलकर नया व्यंजन बनता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जब दो या दो से अधिक व्यंजन, जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब किसी व्यंजन के नीचे हलन, हलन का चिन्ह ऐसा होता है, चिन्ह लगा देते हैं तो वह स्वर विहीन हो जाता है और आधा अक्षर माना जाता है। अक्षर हमेशा जो है, अगर हम शा लिखे हैं ये, ठीक है, हलन लगा देते हैं तो ये अक्षर का जो शुद्ध रूप है ये है, ठीक है, लेकिन कोई भी अक्षर बिना स्वर के क्या है, अधूरा है। तो इसमें जब हम स्वर लगाते हैं तब ये सा बनता है, सा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे ला, लट्टू लिखा हुआ है, लट्टू लिखा हुआ है, ला आपको हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर जैसे ला, फिर टा, फिर टा, इस तरह से लट्टू। तो टा के बाद क्या आया, टा आया। टा में, पहले वाले टा में हलंत लगा हुआ है, तो ये मिलकर क्या हो गया, लट्टू हो गया। ये इसे हम क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, लट्टू, इस तरह से। उसी तरह दिया हुआ प्याज शब्द, आधा पा दिया हुआ है, आधा पा, अगर हम इसमें हलंत यहाँ पर लगा देते हैं तो ये आधा अक्षर माना जाएगा, ठीक है। फिर या दिया हुआ है, जा बन, क्या बना, ये प्याज शब्द बना हमारा, क्या बना, प्याज शब्द। उसी तरह तीसरा दिया हुआ है, बस्ता शब्द दिया हुआ है, बा दिया है, फिर दंतव्य, सा दिया हुआ है, इस तरह से ता, ठीक है। अगर हम इसको मिला कर लिखते हैं तो आधा ता, बा आधा सा, फिर ता ता में आ गया, बस्ता हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पर जो है हलंत ना लगाएं और सिर्फ आधा लिखे तब भी ये सही है, यहाँ पर हम हलंत ना लगाएं, ये आधा लिख दे बा तब भी ये सही है। हलंत लगा हुआ अक्षर ही क्या है, आधा है, यानी स्वर रहित है। जब हम उस अक्षर में स्वर लगा देते हैं तो वो अक्षर पूर्ण हो जाता है, यानी स्वर के साथ हो जाता है। यहाँ पर देखिए टा में हलंत लगा हुआ, यहाँ भी अगर हम लगा देते हैं तो ये भी सही है, अगर आप आधा लिखते हैं तो वो भी सही है, ठीक है। तो इसी तरह और भी शब्द आपको यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिख रहे होंगे, सच्चा, पक्का, मक्खन, छप्पर, मक्खी, बच्चा, ठक्का, विद्वान, टक्कर, बग्घी, इस तरह से बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। एक छोटी सी कहानी दी हुई है आपके चैप्टर में, इसमें मैं और मेरी मम्मी, मैं और मेरी मम्मी पक्के घर में रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं घर में, अपने घर में, वो क्या है, पक्का घर है। मेरे अब्बू मतलब मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। मेरे पिताजी कैसे हैं, एक बच्चा कह रहा है अपने परिवार के बारे में बता रहा है कि मैं और मेरी मम्मी, ये यानी मेरी माँ, दोनों ही जो है एक पक्के घर में रहते हैं और मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने एक कुत्ता
और एक बिल्ली पाली है, पाल रखी है। मेरा भाई मक्खन बहुत खाता है, उसका एक कोई छोटा भाई या बड़ा भाई होगा, वो मक्खन बहुत खाता है रोजाना कुत्ते और बिल्ली को। वह 15 लड्डू खिलाता है रोजाना कुत्ते और बिल्ली को, जो उसके पिताजी ने पाले थे कुत्ता और एक बिल्ली, उसको उसका छोटा भाई जो है बड़ा भाई जो भी है, तो वो उसे रोजाना 15 लड्डू खिलाता है। तो इस कहानी में हमें वैसे शब्द बताए गए हैं, ऐसे अक्षर का प्रयोग किया गया है जो इस चैप्टर में बताया गया है, हलंत वाले अक्षर और द्वित व्यंजन का प्रयोग किया हुआ है। जैसे मम्मी, तो मम्मी में आधा माँ पहले जुड़ा हुआ है फिर आधा का है, तो ये द्वित व्यंजन हो गया। पक्के में भी क्या है, आधा का है, तो ये भी उसके बाद फिर पूरा का है, का है। तो इसी तरह से और अब्बू शब्द दिया हुआ है, अच्छे शब्द दिया, कुत्ता है, मक्खन है, कुत्ते, बिल्ली, लड्डू, 15, ये सारे शब्द दिए हुए हैं, सारे शब्द दिए हुए हैं। तो ये छोटी सी कहानी दी हुई थी आपकी, जो पूरी होती है यहाँ पर खत्म होती है। फिर एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे ये हम आपको PDF के माध्यम से देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।